सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पंडित सौरभ शंकर। आज हम बात करेंगे अन्नकूट महोत्सव की। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को लगता है। गोवर्धन पूजा कहलाती है। गोवर्धन भगवान कृष्ण ने छल उंगली पर उठा के इंद्र का मान मर्दन किया था। गोवर्धन पर्वत का अपना अलग ही महत्व है। गोवर्धन पूजा का अलग महत्व है। इसमें गोबर प्रधान होता है। गोबर, गाय के गोबर को ला के घर पे गोवर्धन की स्थापना की जाती है और ठीक वैसे ही उसी तरीके से जैसे उस समय पे रहा होगा। गोवर्धन में संकेतात्मक गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए काफ़ी ऐसी व्यवस्था थी कि भगवान कृष्ण से कहा गया राधा ने कि यहाँ पे पृथ्वी पे ऐसी जगह नहीं है जो इतनी सुंदर हो जहाँ पे आया जाए। तो उन्होंने एक रश्मि को नीचे भेज के, पृथ्वी भेज के उस गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया था। और गोवर्धन पर्वत अपने आप में कृष्ण का वास कहा जाता है। कृष्ण और राधा का मिलन स्थान का वास कहा जाता है। वहाँ पे महाराज का वास कहा जाता है। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा भी उसी दिन से शुरू होती है। सत्य तो यह है कि कार्तिक मास में पूरा परिक्रमा का समय हो जाता है, लेकिन इस दिन से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने का प्रावधान है। इसलिए गोवर्धन की मान्यता बहुत अधिक है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।